आसिम रियाज जब से शो के अंदर गए हैं तब से आसिम रियाज जो है काफी दफा एलिमिनेट हो चुके हैं, काफी दफा उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, काफी दफा उनके झगड़े हो चुके हैं, काफी दफा वो टास्क हार चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है काफी दफा, राइट? ऐसा जो है ना वो रूमर्स आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो ये सब क्या सच है और इसके पीछे जो है ना वो रियालिटी क्या है, वो हो क्यों रहा है, उस पर हम बात करेंगे। वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर एक्स पे मुझे फॉलो कर लो जो लिंक बायो में है। इसके साथ साथ एक और इंस्टाग्राम जो मेरा अपना पर्सनल इंस्टाग्राम है उसको जरूर फॉलो कर लो, उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आसिम रियाज की। अब आसिम रियाज के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वो जिद्दी है, वो गिव अप नहीं करता है, वो अड़ियल है, वो अपना अगर वो किसी चीज की जिद पकड़ ले तो अपनी चीज पूरी करता है। हम जैसे बिग बॉस में देखा है, यस वी नो कि भाई वो लड़का नहीं हार मानता, वो आगे दीवार हो जो भी हो टकरा जाता है, वो नहीं सुनता, ठीक है, और आगे वो ये नहीं देखता कि कौन खड़ा है, वो लड़ता है, ये उसका एक नेचर है। वो हमें पता है कि वो कभी भी बिग बॉस में भी उसका एक उसके अंदर एक ये चीज थी, ये सिर्फ उसके अंदर ही मैंने देखी थी, जो सामने ये नहीं देखता था कि कितना बड़ा एक्टर है, कौन है, वो जो है वो जिद पर आ जाता था और पंगे ले लेता था, राइट? अब आसिम रियाज जो है ना उसके बाद 4 साल जो है वो गायब रहे। अब आसिम रियाज जो है ना खतरों के खिलाड़ी में गए, और जब से आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में गए हैं ना तो इतने रूमर्स आ रहे हैं कि अब आसिम रियाज का रोहित शेट्टी के साथ झगड़ा हो गया, शरीर के साथ झगड़ा हो गया, अभिषेक के साथ झगड़ा हो गया, अभिषेक से टास्क हार गया, वो टास्क हार गया। तो अब जो रिसेंट जो आई है ना वो ये आया कि क्योंकि वो टास्क हार गया था तो आसिम ने ना सारा ब्लेम जो है ना वो टीम पे डाल दिया कि आपने टास्क अच्छा नहीं बनाया था और आपने टास्क ऐसा बनाया था कि मैं टास्क हार गया। तो इन शॉर्ट आसिम को ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद कि वो कोई बच्चा है या उसे समझ नहीं है, उसे अकल नहीं है, या आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि जैसे कि जैसे बीबी 13 में अगर कोई टास्क जो होता था वो हार कोई जाता था, अगर आसिम की टीम हार जाती थी तो वो लड़ता था, डिफेंड करता था, उन चीजों को लेके उन्हीं चीजों को लिंकअप करके उसके एटीट्यूड का उसका एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही वो जो लड़का है ना आसिम रियाज वो ना ये कहता है कि टीम की गलती है, वो ना ये कहता है मेकर्स की गलती है, ऐसा उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। रियलिटी ऐसी नहीं है, अभी हमने देखा तो नहीं है शो, राइट, लेकिन उसके बारे में पहले से ही ऐसे एक जो है ना कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा रहा है, मेमोरीज को जो है ना वो रिफ्रेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो सिनेरियो ही अलग था, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या है कि आसिम का एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस की नजरों में कि भाई वो जो है ना वो कोई विलन टाइप आदमी है, या वो सर फिरा है, या वो जो है ना वो बिला वजह की जिद करता है, या वो बिला वजह जो है ना वो बोल रहा है कि नहीं मैं ना टास्क इसलिए हारा कि टास्क गलत था। अब ये वाली जो बात जब आई ना तो आई वॉज लाइक वाओ व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब ये कहाँ से आ गई बात है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, जब आप बच्चों वाली बातें कोई करता है तो इसलिए कि यार अगर बच्चों वाली बात है, बच्चों वाले रूमर्स फैलाओगे तो फिर ये तो फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि एक बंदा कोई पागल है कि बोलेगा कि ये टास्क जो है ना ये टास्क आपने मेरे अकॉर्डिंग जो है वो नहीं डिजाइन किया था या बनाया था तो इस वजह से जो है ना मैं टास्क हार गया तो अब मैं लड़ूंगा, सीरियसली। अब यहाँ पे जो है ना आप देख लेना, आप ये बात मेरे लिख के कहीं रख लेना, आसिम रियाज जब खतरों के खिलाड़ी में जाएगा तो आप ये बात कहीं पे भी लिख के रख लो कि आसिम रियाज को बार बार बीबी 13 के ताने मिल गए कि ये बिग बॉस नहीं है, मुझसे मत लड़ना, ये बिग बॉस नहीं है, जहां जहां वो बोलेगा ये बात उसको सुनने को मिलेगी, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, ये मैं पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ, प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कृष्णा श्रॉफ जो है टाइगर श्रॉफ की जो सिस्टर है, आई होप मैं उनका सही नाम ले लूं, टाइगर श्रॉफ की जो सिस्टर है, ऐसा जो है ना एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है जहाँ पे उन्होंने उनसे और काफी कंटेस्टेंट से बात की गई है जो मानते हैं कि भाई आसिम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, और वो इस बात पे हंस रहे हैं कि भाई ये कौन बातें फैला रहा है, आसिम तो अभी तक शो के अंदर है, वो तो शो में है और उसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना वो बहुत ही जैसे कहते हैं स्टबर्न है अपनी चीजों को लेकर, वो भाई गिव अप नहीं करता, वो खेलता है, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, और सबसे बड़ा फेयर इस वक्त आसिम रियाज है। अब क्या किया जा रहा है कि आसिम रियाज वर्सेस अभिषेक कुमार किया जा रहा है, और रीजन क्या है ना, आपको रीजन बताती हूँ, उसका रीजन ये है कि क्या हुआ कि जब आसिम रियाज वर्सेस आप अभिषेक कुमार करोगे तो दोनों फैंडम्स जो है ना वो आपस में लड़ेंगे, जब दोनों फैंडम्स आपस में लड़ेंगे, बात करेंगे, खतरों के खिलाड़ी के बारे में बात होगी तो खतरों के खिलाड़ी की एक हाइप बनेगी, तो इस वजह से बार बार ये बोला जा रहा है कि अभिषेक के साथ झगड़ा हो गया, अभिषेक टास्क जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब जो है एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, और आसिम रियाज को इसलिए उस हाइप के लिए यूज किया जा रहा है कि विदाउट एनी डाउट इस खतरों के खिलाड़ी शो में इस वक्त लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आसिम रियाज की वजह से है। आसिम रियाज एक मेन रीजन है कि
लोग जो है ना वो इस वक्त जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा खतरों के खिलाड़ी में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई कब शो आएगा, कब हम देखेंगे एपिसोड, हमें कब पता चलेगा, हमें आसिम को देखना है, लोगों को एक्चुअली में आसिम को देखना है, क्योंकि वो जो BB13 था ना वो आसिम, सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से हिट हुआ था, वो उन तीनों की वजह से हिट हुआ था। तो अब उन तीनों में से एक बंदा आया है, तो जो BB13 था उसने सारे सीजन के रिकॉर्ड तोड़े, तो अब उनमें से एक आया है जो जैसे कहते हैं सिद्धार्थ शिखर के साथ, वो दोनों के साथ खड़े थे और दोनों ही अपनी अपनी जगह विनर थे, तो उनमें से अब एक बंदा है, एक है नहीं इस दुनिया में और एक आया है शो में। ये बहुत बड़ी बात है कि अब आप आसिम रियाज एक शो में आया है, तो आसिम रियाज की वजह से जो हाइप है ना वो बहुत बहुत ज्यादा है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट कि आसिम रियाज की वजह से हाइप है और आसिम रियाज को देखने के लिए लोग बेचैन है। तो आसिम रियाज का नाम इस कदर इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई आसिम ने ये कर दिया, आसिम ने वो कर दिया, आसिम जा रहा है, आसिम शो छोड़ के चला गया, तो लोग जो है ना वो परेशान रहे, आपस में उलझे रहे इस चीज में। वेरी गुड स्ट्रेटेजी, बट यू नो लाइक समझ में आ जाती है अब तो इतनी चीजें। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन ऑफ द राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।